फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 17 सेंचुरी के फेमस इंग्लिश पोइट जॉन ड्राइडन की एक और मज़ेदार पोएम शेडवेल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोएम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबाउट द पोएम, इट वॉज रिटन इन 1678 एंड पब्लिश्ड इन 1682। इस पोएम को 1678 में लिखा गया और 1682 में पब्लिश करवाया गया। इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन थॉमस शेडवेल। जॉन ड्राइडन ने इस पोएम में अपने कंटेम्प्रेरी पोइट थॉमस शेडवेल पर सटायर यानी व्यंग्य किया है। शेडवेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैकफ्लेकनो अ वर्ड्स मॉक हेरोइक सटायर। शेडवेल पोएम जॉन ड्राइडन के एक मॉक हेरोइक सटायर मैकफ्लेकनो से ली गई हैं। इट इज़ रिटन इन हेरोइक कपलेट इन द आयम्बिक पेंटामीटर। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस पोएम में पोइट जॉन ड्राइडन ने अपने कंटेम्प्रेरी पोइट और फ्रेंड थॉमस शेडवेल की फिजिकल और मेंटल पोजीशन पर सटायर किया है। इस टाइम पोइट अपनी पोएम्स के माध्यम से अदर पोइट्स को क्रिटिसाइज करते थे। थॉमस शेडवेल ने जॉन ड्राइडन पर सटायरिकल पोएम लिखी और बदले में उन्होंने भी शेडवेल पर यह पोएम लिखी। जॉन ड्राइडन 1668 में इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट बने, लेकिन जैसे इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्हें इस पोस्ट से हटा दिया गया और थॉमस शेडवेल को नेक्स्ट पोइट लॉरिएट बनाया गया, जिससे जॉन ड्राइडन बहुत दुखी हुए और उन्होंने शेडवेल पर सटायर करते हुए यह पोएम लिखी। दोस्तों, पोइट लॉरिएट एक पोस्ट होती हैं जो कि लिटरेचर में ग्रेट वर्क्स लिखने वाले राइटर्स को दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। पोएम की शुरुआत में पोइट कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगी। डीके का मतलब होता है नष्ट होना। एंड वेन फेट समंस मोनार्क्स मस्ट ओबे। और जब भाग्य का बुलावा आता है तो बड़े बड़े राजाओं को भी उसका पालन करना होता है, यानी कि जब लोगों की डेथ का टाइम आता है तो उन्हें डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। फेट का मतलब होता है भाग्य, समंस यानी बुलावा, मोनार्क्स यानी राजा। दिस फ्लेकनो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हेड गवर्न लॉन्ग। जिस तरह ऑगस्टस अपने यंग एज में राजा बने और लंबे समय तक शासन किया, उसी तरह फ्लेकनो भी अपने यंग एज में मूर्खों के राजा बने जो कि यूजलेस और नॉनसेंस वर्क्स लिखा करते थे। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। इन प्रोज एंड वर्ड्स वॉज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द रियल्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग फ्लेकनो ने प्रोज और वर्ड्स दोनों फील्ड में अपने वर्क्स लिखे और उसके वर्क्स दोनों फील्ड में पूरी तरह बकवास थे। इट मीन्स फ्लेकनो ने यूजलेस और मीनिंगलेस वर्क्स लिखे। दिस एजेड प्रिंस नाउ फ्लोरिशिंग इन पीस। और ये बूढ़ा राजकुमार फ्लेकनो शांति से अपने वर्क्स लिख रहा है और इसके यूजलेस और मीनिंगलेस वर्क्स को रोकने वाला कोई नहीं है। एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज। फ्लेकनो की तरह ही कई ऐसे पोइट्स हैं जो नॉनसेंस वर्क्स लिखते हैं, इसलिए फ्लेकनो ऐसे पोइट्स को अपने बेटे मानता है। दोस्तों, इश्यू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज उन पोइट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि यूजलेस वर्क्स लिखते हैं और फ्लेकनो जिन्हें अपने बेटे मानता है। Worn out with business, did at land debate to settle the succession of the state. अब फ्लेकनो प्रोज और वर्ड्स के फील्ड में नॉनसेंस वर्क्स लिखकर थक चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है और अब उससे और ज़्यादा वर्क्स लिखे नहीं जाते, इसलिए वो अपने मूर्खतापूर्ण राज्य को सेटल करने के लिए अपने जैसे पोइट को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट टू रेन एंड वेज इमोर्टल वार विद वीट। इसके बाद वो अपने सभी बेटों में से किसी एक को चूज करने के बारे में सोचता है जो कि उसकी तरह यूजलेस और मीनिंगलेस वर्क्स लिखें, जो अपनी बुद्धि के साथ लड़ाई जारी रखें। इट मीन्स जो पोइट नॉनसेंस वर्क्स लिखेगा उसे फ्लेकनो अपना उत्तराधिकारी चूज करेगा। पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार करना, वेज यानी जारी रखना। दोस्तों, यहाँ पर हिज सन्स उन पोइट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि फ्लेकनो की तरह यूजलेस और मीनिंगलेस वर्क्स लिखते हैं। क्राइड इट इज़ रिसोल्व फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिसेम्बल मी।
इसके बाद फ्लेक ने जोर से चिल्लाया और बोला कि फैसला हो गया, नेचर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पोइट दिखने में और राइटिंग करने में मेरे जैसा होगा वही मेरा नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा। रिसोल्व का मतलब होता है फैसला करना, प्लिट्स यानी रिक्वेस्ट करना, रिसेम्बल यानी समान होना। शेड वेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्ड्स मेच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। फ्लेकनो कहता है कि शेडवेल अकेला ऐसा पोइट है जो बिल्कुल मेरी तरह मूर्ख है, उसने भी मेरी तरह बचपन से ही यूजलेस और नॉनसेंस वर्क्स लिखे हैं, वो कभी भी अपने वर्क्स में मीनिंगफुल बातें नहीं लिखता। दोस्तों टेंडर ईयर्स का मतलब होता है बचपन। शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी। आगे फ्लेकनो कहता है कि मेरे सभी बेटों में से शेडवेल ऐसा है जो पूरी तरह से मूर्खता से भरा हुआ है। स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस बट शेडवेल नेवर डिविएट्स इंटू सेंस। अब फ्लेकनो अपने सभी बेटों और शेडवेल में डिफरेंस बताते हुए कहता है कि शेडवेल के अलावा उसके जो बेटे हैं वे तो कभी कभी किसी बहाने से यूजफुल और मीनिंगफुल बातें कह देते हैं, लेकिन शेडवेल का तो मीनिंगफुल वर्क से कोई लेना देना ही नहीं है। इट मीन्स वो कभी भी यूजफुल बातें नहीं कहता, वो हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें कहता है। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना। सम बीम्स ऑफ वीट ऑन अदर सोल्स मे फॉल स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ लुसिड इंटरवल। शेडवेल के अलावा जो बेटे हैं उन पर कभी कभी बुद्धि की कुछ किरणें गिर सकती हैं या उन पर से होकर गुजर सकती हैं, जिससे उनकी मूर्खता में स्पष्ट अंतराल आ सकता है। इट मीन्स शेडवेल के अलावा जो बेटे हैं वे कभी कभी सेंस की बातें कर देते हैं, लेकिन शेडवेल हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें करता है। दोस्तों यहाँ पर अदर सोल्स उन पोइट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि फ्लेकनो की तरह नॉनसेंस वर्क्स लिखते हैं और जिन्हें फ्लेकनो अपने बेटे मानता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना, लुसिड यानी स्पष्ट, इंटरवल यानी अंतराल। बट शेडवेल्स जिनाइन नाइट एडमिट्स नो रे। लेकिन शेडवेल के दिमाग में इतनी मूर्खता है कि उसके दिमाग में बुद्धि की कोई भी किरण प्रवेश नहीं कर सकती। हिज राइजिंग फॉक्स प्रिवेल अपॉन द डे। उसका उड़ता हुआ कोहरा दिन में भी फैल जाता है। इट मीन्स शेडवेल दिन में भी मूर्खता की बातें करने लगता है। राइजिंग का मतलब होता है उठना, फॉक्स यानी कोहरा। बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई एंड सीम्स डिजाइन फॉर थॉटलेस मैजेस्टी। आगे पोइट जॉन ड्राइडन शेडवेल की फिजिकल पोजिशन को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि जब लोग शेडवेल के मोटे शरीर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मोटा शरीर मूर्ख राजा के रूप में डिजाइन किया गया है। गुडली फैब्रिक का मतलब होता है मोटा शरीर, थॉटलेस मैजेस्टी यानी मूर्ख राजा। Thoughtless as monarch oak that shed the plain and spread in Solomon state supinely rain। पोइट ने शेडवेल को ओक ट्री से कंपेयर किया है। ओक ट्री की लाइफ 300 साल होती है, ये मैदानी भागों में उगता है, ये विशाल भाग में फैला होता है, लेकिन इसकी छाया बहुत कम होती है, ये यूजलेस होता है। इसी तरह शेडवेल भी अपनी गंभीर स्थिति में फैला हुआ है, वो आलस के साथ शासन करता है, ये भी ओक ट्री की तरह यूजलेस है। यहाँ पर थॉटलेस शेडवेल के लिए यूज़ किया गया है। शेड का मतलब होता है छाया, प्लेन यानी मैदान, स्प्रिड यानी फैलना, सोलेमन यानी गंभीर, सुपाइनली यानी आलस के साथ। हे वुड एंड शर्ले व्हाट बट टाइप्स ऑफ दी दो लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टोटोलॉजी। आगे पोइट कहते हैं कि हे वुड और शर्ले भी तुम्हारी तरह मूर्ख राइटर थे, लेकिन तुम टोटोलॉजी के एक लास्ट ग्रेट भविष्यवक्ता हो। दोस्तों टोटोलॉजी में राइटर एक ही बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहता है। प्रोफेट का मतलब होता है भविष्यवक्ता। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ जॉन ड्राइडन की पोयम शेडवेल कंप्लीट होती हैं। और कैसी लगी आपको यह पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।